ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आज मैं आपको शिवलिंग यानी कि भोले बाबा की पूजा बहुत ही सरल विधि से बताऊंगी, जिससे आप डेली कर सकते हैं। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। कांसे या स्टील की थाली लेकर उस पर सातिया बनाकर उस थाली पर पुष्प और सामग्री रखकर उस थाली को तैयार कर लीजिएगा। फिर भोले बाबा पर गंगा जल से स्नान कराकर और उसी के साथ आप गाय के कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध नहीं है तो आप जैसे कि भैंस का भी हो तो उससे भी स्नान करा सकते हैं, या फिर पंचामृत बनाकर भोले बाबा जी को स्नान करा सकते हैं। भोले बाबा जी को स्नान कराते समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, और दूध से स्नान कराने के बाद आप फिर दोबारा से जल का स्नान जरूर कराएं। इतना करने के बाद आप भोले बाबा जी को पुष्प अर्पित कीजिएगा, और पुष्प अर्पित करने के बाद आप चंदन से तिलक लगा दीजिएगा। आप चाहें तो ओम भी बना सकते हैं। अगर आपके पास काला तिल हो तो वो भी सभी भोले बाबा जी को अर्पित कर दीजिए। अगर आप भोले बाबा जी की पूजा डेली करते हैं तो आप जनेऊ भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इतना करने के बाद भोले बाबा जी को अधिक प्रिय है बेलपत्र, तो आप एक बेलपत्र लीजिएगा, उस पर तिलक लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोले बाबा जी को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भोले बाबा जी को जो अधिक प्रिय है मदार का पुष्प, भांग, धतूरा, तो वो आप भोले बाबा जी को जरूर अर्पित कीजिए। अगर आपके पास भांग धतूरा नहीं है तो आप मदार का पुष्प तो हर जगह मिल जाता है, तो उसे जरूर अर्पित कीजिए। और बेलपत्र, ये दो चीज़ें बहुत ही अधिक मानी जाती है। वैसे तो धतूरे का भोले बाबा जी को बहुत अधिक प्रिय है, तो उससे भोले बाबा जी अधिक ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो आप वो ज़रूर चढ़ा दीजिए। इसी के साथ सभी देवी देवता यानी कि शिव परिवार की संपूर्ण पूजा विधि करना चाहते हैं तो शिवलिंग में ही सारा परिवार समाहित रहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कुमार कार्तिक और बीच में उनकी दो पुत्री अशोक सुंदरी का निवास होता है। जहां पर शिवलिंग टिका हुआ होता है वहां पर माता पार्वती का निवास माना जाता है। अभिषेक कराने के बाद हम भोले बाबा जी की आरती करके उनको धूप दीप जलाकर उनकी आरती करेंगे। और भोले बाबा जी का भोग अगर आप डेली पूजा करते हैं तो आप मिश्री का, बतासे का, चीनी का उन्हें भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास फल है तो आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। भोले बाबा जी को भोग लगाने के बाद आप उनका प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भोले बाबा बहुत ही भोले होते हैं, वे बहुत ही कम त्याग तपस्या से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक भोले बाबा ही ऐसे होते हैं जो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भोले बाबा जी की डेली ऐसे ही पूजा विधि से उनकी पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती, और आपका घर सदैव, आपके घर में खुशियां आती हैं और धन धान की कमी नहीं होती। भोले बाबा एक ऐसे हैं जो बहुत जल्द आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण करते हैं, और वो सभी की बिगड़ी हुई बनाते हैं। तो आप प्रतिदिन ऐसे ही भोले बाबा जी की सेवा कीजिएगा और सच्चे मन से, उनके अच्छे दिल से उनकी सेवा कीजिएगा। वो भोले बाबा हैं तो वो आपके जरूर सुनेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभु, जय शंभु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।